Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are healthy, you all are fit and fine and taking good care of yourself. और आप अपने पेरेंट्स को तंग भी नहीं कर रहे होंगे, है ना? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना? और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वीडियोस भी देख रहे होंगे. चिल्ड्रन, एज आई ऑलवेज टेल यू, यू मस्ट वॉच द वीडियोस रेगुलरली इफ यू रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर्स. क्योंकि जो हमारी ऑनलाइन क्लास होती है उसमें हम बेसिकली आपके डाउट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं. अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ आपकी जो क्वेरीज है, तो जब तक आप वीडियोस देखेंगे नहीं, आपको डाउट्स नहीं होंगे, आपको क्वेरीज होगी ही नहीं. तो डू वॉच द वीडियोज रेगुलरली. So the children who are watching the videos, they must be knowing that we have started a new chapter. हमने एक नया chapter start किया है और वो chapter कौन सा है? Our Earth. हम अपने Earth के बारे में हमने पढ़ाई शुरू की थी. Earth के बारे में हमने topic शुरू किया था अपने पिछले video में, मैंने ये start किया था. तो आज भी हम यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. लेकिन कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी नया सिखाने या डिस्कस करने से पहले, हम हमेशा रिवाइज करते हैं जो भी हमने अपने पिछले वीडियो में किया होता है, है ना? तो चलिए एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने अब तक क्या क्या इसमें डिस्कस किया. चिल्ड्रन, सबसे पहली चीज हमने अर्थ के बारे में क्या जाना कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है ये सोलर सिस्टम में थर्ड नंबर पर है. सन तो बीच में है, सोलर फैमिली में सन जो है वो बीच में होता है. और उसके बाद जो सन के चक्कर लगाते हैं, सन के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स, उसमें हमारा अर्थ थर्ड नंबर पर आता है. ठीक है, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो उसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, है ना? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो ये जो 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से थर्ड नंबर पर हमारा अर्थ आता है. ठीक है, और हमारा जो अर्थ है वो बहुत ही यूनिक प्लैनेट है. यूनिक मतलब सबसे अलग प्लैनेट है. इसलिए नहीं कि हम यहां रहते हैं, हमारा प्लैनेट इसलिए यूनिक है क्योंकि यही एक प्लैनेट है जिस पर लाइफ है. अभी तक जो साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स के हिसाब से जितनी भी हमें डिस्कवरीज हुई है उसके हिसाब से जो है अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ, जहां पर जीवन है, जहां पर लाइफ है, जहां पर पेड़ पौधे एनवायरमेंट है इतना, जहां पर एयर है, जहां पर वाटर है. तो अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट हैज लाइफ. यहां पर जिंदगी है, यहां पर जीवन है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना? ये सारी चीजें हमारे अर्थ पर है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो अर्थ पर है वो है एयर एंड वाटर, जो लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. पानी और हवा, है ना? ऑक्सीजन होगा तभी हम सांस ले पाएंगे ना, तभी हम जिंदा रह पाएंगे ना. और पीने के लिए तो पानी चाहिए ही, प्लस पानी का क्या इम्पोर्टेंस है ये तो जो है इसके बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि बिना पानी के तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना? सिर्फ पीने के लिए पानी नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे पीने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पर उन सबको वाटर चाहिए, है ना? चाहे वो एनिमल्स हों या बर्ड्स हों या हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबको वाटर की जरूरत है. ठीक है, हम तो पानी पीते हैं, प्लस उसके अलावा हमारे जो बेसिक जो घर के काम होते हैं, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, वो सारी चीजों के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए, है ना? वाटर चाहिए ना. तो वाटर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हमारे अर्थ पर अवेलेबल है. इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. ठीक है, इसमें से बहुत सी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में और कुछ मैं आपको थोड़ा ऐड करके बता रही हूँ. चिल्ड्रन, अर्थ जो है ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसको हम टच करते हैं, है ना? यही एक प्लैनेट है जिसको हम टच कर पा रहे हैं. और किसी प्लैनेट को हम टच कर पा रहे हैं? नो. अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है जिसको हम अपने हाथों से छू सकते हैं, है ना? और ये जो हमारा अर्थ है ये किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ
land and water. Okay, earth is made up of land and water. Okay, land और water से हमारा पूरा earth जो है वो बना हुआ है. अच्छा, अर्थ का 71% जो पार्ट है वो है वाटर. पूरा जो अर्थ है, और अर्थ का शेप मैंने आपको कल बताया था ना, कैसा है अर्थ का शेप? इट इज स्फेरिकल इन शेप. इट इज लाइक एन ऑरेंज. अर्थ का शेप कैसा है? ऑरेंज के जैसे, थोड़ा सा ऊपर से दबाव, हल्का सा दबाव. इट्स लाइक एन ऑरेंज. ठीक है, अर्थ का शेप ऑरेंज के जैसे है. इसका एक इमेजिनरी टॉप पॉइंट है और इमेजिनरी बॉटम पॉइंट है, जिसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं. ठीक है, अर्थ का जो हम इमेजिन करते हैं ये अर्थ है, तो इसका एक टॉप भी पार्ट है और एक इसका बॉटम है. थोड़ा सा अर्थ जो है ना वो जब सन के चक्कर लगाता है तो थोड़ा सा झुका हुआ है, थोड़ा सा टिल्ट होकर चक्कर लगाता है. है तो शेप उसका स्फेरिकल, लेकिन थोड़ा झुक के ये चक्कर लगाता है सन के, थोड़ा सा टिल्टेड है. तो ये हम यहाँ ऊपर वाला जो है वो नॉर्थ पोल है और नीचे वाला जो है वो साउथ पोल है. और ये इमेजिनरी लाइन है, ऐसा सच्ची में कोई अर्थ के अंदर से लाइन नहीं घुसी हुई है, कोई रॉड नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है ये बताने के लिए कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर गोल 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 रोटेट करती है, अपनी जगह पे भी घूमती है और सन के भी चक्कर लगाती है. ठीक है, अर्थ जो है वो अपनी जगह पे ऐसे गोल गोल घूमती है, प्लस सन के भी ऐसे 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 वो चक्कर लगाती है, रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है. अपनी जगह पे जो घूमती है उसे बोलते हैं रोटेशन, और सन का जो चक्कर लगाती है उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन, उसको रिवॉल्व करती है. ठीक है, और खुद के जो चक्कर लगाती है अपनी जगह पे उसको बोलते हैं रोटेशन. तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ का जो शेप है इट्स लाइक एन ऑरेंज स्फेरिकल शेप, और अर्थ का जो मैक्सिमम पार्ट है पूरा अर्थ में से सिर्फ जो हमारा जो है ना मैक्सिमम जो पार्ट है वो वाटर है. 71% पार्ट जो है वो वाटर है. और ये वाटर किस फॉर्म में है? ये जो वाटर है पूरा अर्थ में 71% जो पार्ट है, मान लो 100 होता है ना, 100 में से 71 वाटर है. ठीक है, अगर हम अर्थ को 100 मान रहे हैं, ये 100 है, तो 100 में से 71 जो है वो पानी ही है. और ये वाटर किस फॉर्म में है? बड़े बड़े लैंड वाटर बॉडीज, बहुत बड़े बड़े वाटर बॉडीज जैसे कि ओशंस, सी. ठीक है, उस फॉर्म में रिवर, पॉन्ड, लेक्स, ये सारी चीजें जो है वो पूरा वाटर बॉडी बनाती है. 71% वाटर का उसमें आता है. ठीक है, ओशन जो है पूरे अर्थ पर 5 ओशंस हैं, पर उसके नाम अभी हम नहीं सीखेंगे, आपके सीनियर क्लास के लिए छोड़ देते हैं. अर्थ में 5 ओशंस हैं. ठीक है, और ये सब सारे ओशंस एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, दैट ऑल्सो वी विल स्टडी इन अदर क्लास. 5 ओशंस हैं, और जो अर्थ पे जो वाटर बॉडीज हैं मैंने आपको बताया कि वो ओशंस के फॉर्म में है, सी, रिवर, पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम्स, इन सब फॉर्म में है. लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट है वाटर का वो सॉल्टी वाटर है. जो ओशन का पानी होता है, जो सी का पानी होता है, वो सॉल्टी होता है. सॉल्टी मतलब बिल्कुल नमकीन, सलाइन. उसको हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. हमारे पीने के लिए वो सही नहीं है, ओशन वाटर या सी वाटर, क्योंकि वो सॉल्टी होता है, बहुत सॉल्टी होता है. ठीक है, तो जो पीने वाला पानी है, फ्रेश वाटर जो है, वो अर्थ पर बहुत ही कम है, बहुत ही कम है. जो फ्रेश वाटर है या जिसको हम स्वीट वाटर बोलते हैं, पीने लायक जो पानी है, वो अर्थ पर बहुत ही कम है. इसीलिए हम कहते हैं ना सेव वाटर, क्योंकि पानी बहुत कम है जो यूज करने लायक है, वो पानी बहुत ही कम है. और वो भी हमने उसमें से भी मैक्सिमम जो है उसको हमने पल्यूट करके रख दिया, उसको इंसानों ने गंदा करके रख दिया. एनिमल्स से नहीं, हम ह्यूमन बींग्स ने वाटर को पल्यूट करके रख दिया, उसमें सीवर का पानी डाल के, उसमें कचरा डाल के, उसमें प्लास्टिक बॉटल्स और जितना वेस्ट है वो सब हम डाल डाल के हमने पानी को गंदा करके रख दिया, बिल्कुल पल्यूट करके रख दिया है, जो हमें नहीं करना चाहिए. एक तो वैसे ही पीने का पानी कम है, फ्रेश वाटर कम है, और ऊपर से जो है उसको भी हम पल्यूट करते जा रहे हैं.
और इस पॉल्यूशन से सबको नुकसान है, हमें भी नुकसान है और एनिमल्स को भी नुकसान होता है. जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, उनके लिए भी वो पानी अच्छा नहीं है. ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 71% जो है वो पानी है और बाकी जो है वो लैंड है. और वो जो लैंड्स हैं ये किस फॉर्म में है, ये कॉन्टिनेंट्स के रूप में है. जो बड़े बड़े जो लैंड के पार्ट्स होते हैं, जो लैंड का जो टुकड़ा होता है, लैंड मासेस, जो बड़े बड़े लैंड होते हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं. 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. अगेन यू विल स्टडी अबाउट दोज इन योर सीनियर क्लासेस. हम सिर्फ लैंड और वाटर की बात कर रहे हैं. तो लैंड जो है वो पूरे अर्थ पर लैंड एक जैसा नहीं है, अनइवन है. लैंड जो है वो अनइवन है. अनइवन मतलब पूरा जो अर्थ पे जो लैंड है वो एक जैसा प्लेन फ्लैट लैंड नहीं है, वो अलग अलग फॉर्म में है. जो अर्थ का सरफेस है, जो लैंड का सरफेस है, वो डिफरेंट टाइप्स का है. ठीक है, अर्थ का जो सरफेस है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का है. आधा से ज्यादा तो पानी ही हो गया. जो लैंड बचा वो भी सेम नहीं है, सब जगह फ्लैट नहीं है. फ्लैट जो लैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन्स. क्या बोलते हैं, प्लेन्स, समतल मैदान, फ्लैट लैंड, प्लेन्स. पर पूरा अर्थ प्लेन नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा वाला लैंड भी है जिसको हम बोलते हैं प्लेटो. ठीक है, हमने कल इसको डिस्कस किया था, प्लेन्स प्लेटोस. ठीक है, फ्लैट लैंड है तो प्लेन्स है, थोड़ा सा ऊंचा होके फ्लैट है तो वो प्लेटो है, फिर थोड़ा और ऊंचा है तो वो हिल्स है, और ज्यादा बहुत ऊंचा है लैंड, अगर बहुत ऊंचा लैंड है तो वो क्या है, माउंटेन है. ठीक है, माउंटेन्स है. और अगर ऐसा लैंड है जहां पर सिर्फ सैंड सैंड है और बहुत कम प्लांट है, बहुत कम रेन होता है, रिवर्स बहुत कम है, वाटर बहुत कम है, सिर्फ सैंड सैंड अगर हमें दिखता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट. ब्राउन कलर का पूरा जो लैंड है वो ब्राउन है, एंड इट इज ब्राउन बिकॉज ऑफ सैंड, बालू की वजह से. वह पूरा ब्राउन ब्राउन दिखता है, वहां पे प्लांट्स कम है, वहां पे पानी कम है, इसको बोलते हैं डेजर्ट. बहुत हॉट और ड्राई होता है, उसको बोलते हैं डेजर्ट्स. फिर जो समुद्र है, जो ओशन है, जो सी है, उसके पास का जो लैंड होता है, जो सी या ओशन से जुड़े हुए लैंड होते हैं उनको हम बोलते हैं कोस्ट. क्या बोलते हैं, कोस्ट. समुद्र से जुड़े हुए जो लैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, कोस्ट. वहां पे भी बहुत स्वेटी सा फील होता है क्योंकि वो समुद्र के पास है, तो वार्म, वहां का भी जो क्लाइमेट होता है वार्म होता है और बहुत स्वेटी होता है, बहुत पसीना आने वाला होता है. स्टूडेंट, ये सारा हमने जो है अपने पिछले वीडियो में ये सारे लैंड फॉर्म्स को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. ठीक है, तो ये मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगी. हाँ, इनसे रिलेटेड कुछ हम एक्स्ट्रा और मैं आपको बताते जाऊंगी. ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि प्लेन्स में मैक्सिमम रिवर्स दे फ्लो थ्रू प्लेन्स. ज्यादातर जो नदियां हैं वो प्लेन्स से होकर गुजरती हैं. प्लेन्स जो होते हैं वो फर्टाइल ज्यादा होते हैं. फर्टाइल मतलब वहां की जो मिट्टी होती है उसमें अगर आप क्रॉप लगाते हो तो वो बहुत अच्छे से लग जाता है, क्रॉप ज्यादा लगता है. ठीक है, और जो प्लेन्स में सिटीज, विलेजेस, वो सब ज्यादा है. प्लेन्स में मैक्सिमम जो सिटीज हैं, मैक्सिमम जो विलेजेस हैं, टाउन्स है, वो ज्यादा डेवलप हुए हैं प्लेन्स में. फिर प्लेटो जो है वो थोड़ा सा रॉकी होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. ठीक है, फिर हिल्स, जो ऊंचा लैंड होता है उसको हम हिल्स बोलते हैं, और जो ज्यादा ऊंचा होता है उसको हम माउंटेन्स बोलते हैं. और हिल्स एंड माउंटेन्स स्नो कवर्ड भी हो सकते हैं और बिना स्नो कवर्ड भी हो सकते हैं. मतलब उनके जो पीक है, माउंटेन का जो पीक होता है, ये बर्फ से ढका भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक है, कई तरह के, क्योंकि माउंटेन्स होते हैं, कुछ स्नो कवर्ड होते हैं, कुछ फॉरेस्ट कवर्ड होते हैं, कुछ पर सिर्फ जंगल होते हैं और स्नो नहीं होता है, और कुछ माउंटेन्स होते हैं जिस पर स्नो ज्यादा होता है. और यही स्नो जो है
ये जब गर्मी होती है, सनलाइट होती है, तो उससे ये स्नो मेल्ट होता है और मेल्ट होकर ये माउंटेन से फ्लो करता है और फ्लो करके यही रिवर्स में जाके मिल जाता है, यही रिवर बन जाते हैं फिर, क्योंकि ये फ्लो करके फिर ये प्लेन्स के थ्रू फ्लो करते हैं, ये मेल्ट होते हैं और फिर मेल्ट होके नीचे की तरफ गिरते हैं और फिर ये प्लेन्स में फ्लो करते हैं और ये रिवर्स बनते हैं। रिवर्स किसको बोलते हैं? रिवर्स क्या है? वाटर बॉडीज होते हैं जिसके दोनों तरफ लैंड है, बीच में पानी और दोनों साइड लैंड, वो क्या है? रिवर होता है। रिवर फ्लोज, नदियां बहती हैं, ठीक है, रिवर्स फ्लो एंड दे हैव लैंड ऑन बोथ द साइड, उनके दोनों तरफ लैंड होता है, दे आर फ्लोइंग वाटर। और जनरली जो रिवर्स होते हैं ये स्नो का जो मेल्ट होता है उसके वाटर से बनते हैं। अच्छा, और जितने भी रिवर्स हैं उसमें मोस्टली जो रिवर्स हैं वो फाइनली जाकर ओशंस में जाके मिल जाते हैं, सी में या ओशन में जाके मिल जाते हैं। मैक्सिमम जो रिवर्स हैं वो ओशन या सी में जाकर मिल जाते हैं, और कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो दूसरे रिवर्स में जाके मिल जाते हैं। छोटी रिवर्स होती हैं जो बड़े रिवर्स में जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। कुछ रिवर्स जो है वो दूसरी रिवर्स के साथ मिल जाती हैं और कुछ रिवर्स हैं जो ओशन में जाके मिल जाते हैं, फाइनली ओशन के साथ वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने हिल्स के बारे में जाना और रिवर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से रिवर फॉर्म होते हैं और वो प्लेन्स में फ्लो करते हैं एंड फाइनली ओशंस में जाकर वो मिल जाते हैं, गिर जाते हैं। फिर डेजर्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे आइलैंड्स के बारे में। आइलैंड्स, इसको प्रोनाउंसिएशन क्या है? आइलैंड, ISLANDS, आइलैंड्स। आइलैंड्स किसको बोलते हैं? चिल्ड्रन, आइलैंड्स लैंड होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है, बीच में जमीन है और सब तरफ पानी, ठीक है, इसको बोलते हैं आइलैंड। अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, लैंड है और उसके चारों तरफ पानी है, उसको बोलते हैं आइलैंड। जैसे इंडिया से सटा हुआ, इंडिया से लैंड के बगल में है लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये सारे क्या है? लैंड्स हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, सराउंडेड है, ठीक है, तो वो होते हैं आइलैंड्स। और जनरली आइलैंड्स जो होते हैं वो हरे भरे होते हैं, वहां बहुत वेजिटेशन होता है, वहां पे बहुत ट्रीज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सॉइल, वहां पे कैसी मिट्टी है उसके हिसाब से वहां पे बहुत ग्रीनरी होती है, मैक्सिमम आइलैंड्स में बहुत ग्रीनरी होती है, ठीक है। तो हमने आइलैंड्स के बारे में भी जाना। ये सब थे जो हम अर्थ से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं ना, तो ये अर्थ के सारे लैंडफॉर्म्स हैं प्लस जो वाटर बॉडीज है उसको भी हमने डिस्कस किया। और ये सारी की सारी चीजें क्या है? नेचुरल थिंग्स हैं, नेचर की तरफ से हैं, इसमें से कुछ भी मैन मेड नहीं है, ना प्लेन्स, प्लैटोज, हिल्स, माउंटेन, डेजर्ट, कोस्ट, आइलैंड, ये सब नेचुरल है, ये सब नेचर की तरफ से हमें मिला है, ठीक है, ये सब नेचर की तरफ से हमें मिला है। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा अर्थ है इट इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, पूरा जो अर्थ है वो एक एयर से कवर्ड है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, और ये एटमॉस्फेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये सन की जो हार्मफुल रेज है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, सन का जो हार्मफुल रेज है अल्ट्रा वॉयलेट रेज आता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, इट इज नॉट गुड फॉर अस, उस रेज से वो हमें बचाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ मैन मेड थिंग्स की, हमने नेचुरल चीजों की तो बात की, अब हम बात करेंगे मैन मेड थिंग्स की, ठीक है। हमारे अर्थ में जो नेचर की तरफ से जो गिफ्ट है वो तो हमें पता ही है, एयर है, वाटर है, लैंड है, ये सारा नेचुरल है, ये नेचर का गिफ्ट है हमारे लिए, ठीक है। पर उस गिफ्ट को हमने कितना यूज किया, कितना हमने उसका केयर किया वो तो अलग बात है। जैसा कि हमने बताया, हमने हर चीज को पल्यूट करके रख दिया, हर चीज को हमने गंदा करके रख दिया। गॉड ने, नेचर ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी लेकिन हमने उसको खराब करना कर दिया, पानी को पल्यूट किया, एयर को पल्यूट किया, है ना, और लैंड को भी पल्यूट कर रहे हैं पॉलिथीन बैग्स वगैरह से, है ना।
इसीलिए कहते हैं ना पॉलिथिन मत यूज करो, क्योंकि उससे क्या है लैंड पोल्यूट होता है। अब आप सोचोगे लैंड कैसे पोल्यूट होता है, ऑफकोर्स लैंड भी पोल्यूट होता है, मिट्टी हमारी पोल्यूट हो जाती है। अगर केमिकल डालेंगे ज्यादा तो वो जमीन के अंदर जाएगा, तो जो हमारी मिट्टी है वो पॉइजनस हो जाएगी, ठीक। तो वो लैंड पोल्यूट होता है, प्लस जो पॉलिथिन है, पॉलिथिन जो मिट्टी के अंदर दब जाता है तो वो उस पूरे लैंड को वो खराब कर देता है। उसकी जो फर्टिलिटी होती है लैंड का, जो की जो गुड क्वालिटीज होती है, अगर हम ऐसे बात करें तो लैंड की जो गुड क्वालिटीज होती है उसको वो खराब कर देता है। और पॉलिथिन एक ऐसी चीज है ना, वो कभी खत्म नहीं होती है, बिल्कुल। आप उसको मिट्टी में 100 साल के लिए भी अगर उसको बरी कर दोगे तो भी वो खत्म नहीं होगा। अगर आप उसको जलाओगे पॉलिथिन को तो वो जलेगा भी नहीं, वैसे गोल होके रह जाएगा। जब आप पॉलिथिन को जलाते हो तो वो पूरा वो कभी जलेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, श्रिंक होके ऐसा बॉल जैसा हो जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। और अगर आप मिट्टी में डाल के रखोगे, अगर आप 100 साल के बाद भी करके उसको खोदेगा ना, तो वो वहां निकलेगा, इट विल नेवर बी डिस्ट्रॉयड। इसीलिए बोलते हैं ना कि पॉलिथिन बहुत खराब है, इट्स नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट। इसीलिए नो पॉलिथिन का जो है ना, गवर्नमेंट बोलते हैं कि पॉलिथिन नहीं यूज करो, डोंट यूज पॉलिथिन, डोंट यूज प्लास्टिक, इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि वो नेचर के लिए अच्छा नहीं है, हमारे जो एनवायरमेंट के लिए वो पॉलिथिन इज नॉट गुड। इसलिए पेपर बैग यूज करते हैं, क्लॉथ का बैग यूज करने को बोलते हैं ना सब लोग, तो यही रीजन है, क्योंकि पॉलिथिन इज नॉट गुड फॉर नेचर, नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट। तो अब से आप अगर मार्केट जा रही हैं मम्मी या पापा, तो आपको क्या याद दिलाना है कि वो घर से कपड़े का बैग लेकर जाएं, कोई सामान खरीदना है तो कपड़े का बैग लेकर जाएं। कपड़े का बैग बहुत भारी तो नहीं होता ना, हम इतना भारी मोबाइल लेके पॉकेट में जाते हैं, मोबाइल तो हम कभी नहीं छोड़ते, तो हम मोबाइल ले जा सकते हैं तो बैग क्यों नहीं ले जा सकते मार्केट, है ना। तो मार्केट लेकर जाएं तो घर का कपड़े का बना बैग या पेपर का बैग लेकर जाएं, वी शुड नॉट यूज पॉलिथिन, ठीक है। अच्छा, अब मैन मेड थिंग्स में हम बात करते हैं कि मैन मेड थिंग्स में क्या क्या चीजें आती हैं। हमने इसमें मैक्सिमम क्या आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे। जो मैन मेड थिंग्स हैं उसमें क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स आएगा, जिसमें जान नहीं होती है। नेचुरल थिंग्स में तो हमें पता ही है, हमने ये सारा डिस्कस किया। नेचुरल थिंग्स में और क्या क्या हो सकता है, लिविंग थिंग्स आते हैं नेचुरल थिंग में, है ना, जैसे कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स है ना, हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, है ना, एनिमल्स है, बर्ड्स, फिश या एक्वाटिक एनिमल बोल सकते हैं, और हम ह्यूमन, हम सब क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, है ना, हमारे में जान है, हम ब्रीथ करते हैं, हम ग्रो करते हैं, ठीक है, तो हम खाना खाते हैं, हमारे लिए वी नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो, तो हम सारे ये सारी चीजें क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। जो मैन मेड थिंग्स होते हैं वो जो है वो ज्यादातर क्या, वो नॉन लिविंग थिंग्स ही होते हैं। जो मैन मेड थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अच्छा, ये जो नेचर, ये सारा नेचर की चीजें हैं जो लिविंग थिंग्स हैं, ये सारे नेचर की चीजें हैं ना, ये सारी लिविंग थिंग्स हैं। नेचर में भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, नेचर की तरफ से भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि माउंटेन जो है क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, डेजर्ट भी नॉन लिविंग थिंग्स है, रिवर नॉन लिविंग थिंग है, क्लाउड नॉन लिविंग थिंग है, रेन, ये सारी नॉन लिविंग थिंग है, बट दे आर ऑल गिफ्ट ऑफ नेचर, ये हमें नेचर से मिला है। माउंटेन भी, डेजर्ट, रिवर, क्लाउड, ये सब नेचुरल चीजें हैं, ये सब नेचुरल चीजें हैं, भले नॉन लिविंग थिंग है बट दे आर नेचुरल। और ये सारी जो है वो क्या है, ये सारी चीजें भी नेचुरल है पर ये लिविंग थिंग्स है, ठीक है। इन सब में, ये सबको बड़े होने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, और ब्रीद करते हैं, ठीक है। और ये जो चीजें हैं ये नेचर की तरफ से हैं, बट ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक। ये इसमें से कोई भी चीज हम खुद से नहीं बना सकते, हम माउंटेन नहीं बना सकते, हम डेजर्ट नहीं बना सकते, हम रिवर्स नहीं बना सकते, हम क्लाउड्स या रेन नहीं बना सकते, ये सब नेचर का है, ये हमें ध्यान में रखना है, ये सारा गिफ्ट ऑफ नेचर है, इसे हम
खुद नहीं बना सकते। मैनमेड थिंग्स में आपको क्या मिलेगा, वो जो है जैसा मैंने बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स है। अब हम ह्यूमन बींग्स, हमें घर चाहिए रहने के लिए, तो हमने घर बनाया ना, होम्स, वी मेड होम्स। तो होम्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना, मैन मेड थिंग्स की हम बात कर रहे हैं अभी, मैन मेड थिंग्स। इसमें क्या आ गया, होम्स। सबसे पहले तो हमने अपने रहने का जो घर बनाया है वो हमने बनाया है, तो ये मैन मेड थिंग्स है, ठीक है। फिर हमने क्लोथ्स बनाए, कपड़े जो हम पहनते हैं वो भी हमने बनाए, तो वो भी मैन मेड थिंग्स है। फिर हमने फर्नीचर बनाया, घर में जो हमारा है चेयर, टेबल, बेड, ये सारी जो चीजें हैं फर्नीचर, ये सारा भी मैन मेड है ना, कि ऐसे आसमान से तो गिरा नहीं है, ये सारा किसने बनाया, ह्यूमन बींग्स ने बनाया, तो ये भी मैन मेड है। फिर पेपर, बुक है ना, ये सारी चीजें मैन मेड थिंग्स हैं। देन व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स हैं, कार, स्कूटर, बाइसिकल, ट्रेन, एरोप्लेन, जीप, ऑटो, रिक्शा, ई रिक्शा, जितने भी व्हीकल्स हैं वो सारे किसने बनाए, ह्यूमन बींग्स ने, वो भी मैन मेड हो गया, जितने भी व्हीकल्स हैं वो मैन मेड हुए ना। अच्छा, फिर फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज भी मैन मेड है, ये भी इंसान ने बनाया। फिर उसके बाद डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, ट्रैक्स, जो रेल की ट्रैक्स होते हैं, जितना आप ये सोच सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फ्रिज है, टीवी है, ये सारा ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ये सारी चीजें क्या है, मैन मेड है ना, ये सारा हमको क्या नेचर से मिला है, नो, होम्स हमने बनाए, क्लोथ्स, फर्नीचर, पेपर, बुक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सारी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ जाएगा, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, फ्रिज, फिर एसी, टीवी, जितना आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हो वो सारा क्या है, मैन मेड है ना। फिर व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स आप रोड पे देखते हो, जितने भी व्हीकल्स आप वाटर पे देखते हो, जितने भी एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, जो हमने पढ़ा था वो सारा मैन मेड है। जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो सब मैन मेड है। जो डैम्स हैं, डैम्स किसको बोलते हैं, बड़े बड़े जो रिवर्स होते हैं उनके ऊपर डैम्स बनाए जाते हैं, और ये डैम्स किस लिए बनाए जाते हैं, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। बट अगेन ये जो है आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे, इसलिए इसको हम एलैबोरेट नहीं करेंगे। डैम्स मैन मेड है, ब्रिजेस मैन मेड है, रोड्स जो है वो मैन मेड है, जो ट्रैक्स जिसके ऊपर ट्रेन चलती है वो भी क्या है, मैन मेड है। तो और भी बहुत सारी चीजें जो आप अपने आसपास कुछ चीजें देखते होंगे ना, प्लास्टिक का सामान है, वो सारा कुछ क्या है, मैन मेड है। तो जितनी भी मैन मेड चीजें हैं, क्या उनमें जान है, क्या वो लिविंग थिंग्स है, नो, इसमें से कोई भी चीज लिविंग थिंग है, नो, वी यूज देम बट दे आर नॉट लिविंग थिंग्स। इनको बड़ा, ये बड़े नहीं होते, इनको ये सांस नहीं लेते, ये खाना नहीं खाते, फ्यूल चाहिए, व्हीकल्स को फ्यूल चाहिए होता है चलने के लिए, इनके इंजन के लिए, बट दे डू नॉट ग्रो, ये बड़े नहीं होते। ऐसा नहीं है ना कि आपने एक छोटी सी कार ली और फिर उसको पेट्रोल पिला पिला के बड़ा कर दिया, ऐसा तो नहीं है, या उसको अपने खाना खिलाया तो कार धीरे धीरे बड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं है, या आपने एक छोटा सा कपड़ा लिया और फिर उसको खाना खिला रहे हैं, उसको पानी पिला रहे हैं और कपड़ा बड़ा हो गया, नहीं ना। तो ये सारी चीजें क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जो मैन मेड थिंग्स होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है।
तो आई होप आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का पता चल गया, या मैं यूं बोलूं कि मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स का आपको डिफरेंस समझ में आ गया है ना। तो आज का जो हमने वीडियो में हमने काफी कुछ जो है वो और जाना, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था उसमें मैंने थोड़ा सा और ऐड किया, उसको मैंने दोबारा से एक्सप्लेन करते समय आई एडेड फ्यू मोर थिंग्स। देन वी डिस्कस्ड नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल थिंग एंड मैन मेड थिंग। नेचुरल थिंग्स जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है, जो नेचुरल चीजें हैं वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, लेकिन जो मैन मेड थिंग्स हैं वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये हमने आज सीखा। तो आज का वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे और इसमें हम जो बाकी का जो इसका बचा हुआ है वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अलोंग विद द एक्सरसाइज। इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी करेंगे और जो थोड़ा सा और बचा हुआ है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, पर अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज जो भी समझाया है प्लीज गो थ्रू दैट एंड क्लियर योर डाउट्स इन योर ऑनलाइन क्लास। ओके, सो वी विल मीट इन आर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।